ये एक बहुत खतरनाक चीज है वकील, जो तुम्हारे गांव में महामारी फैला देगा। अब मेरा सालों का सपना सच होने का वक्त आया है। वो त्रिपुरारी सिंह कब से सरपंच की गद्दी पर कुंडली मार के बैठा था, अब जाके फंसा है। सरपंच जी के हटते ही विक्रम हर दांव पीछ खेलकर खुद सरपंच बनना चाहेगा। महेश्वर जी, मेरे त्याग पत्र के पेपर दे, मैं भी साइन करके यहाँ से चला जाता। कसम हो गया सरपंच जी, कसम हो गया। गांव के कुंदन, कुसुम, राम, गोली सब लोग बीमार पड़ गए। लगता है गांव में महामारी फैली। क्या कह रहा है तू? सब सेंटर में भी मरीजों की भीड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे साथ चलिए। नहीं सर, चल मेरे साथ। चलिए सरपंच जी। आ गई मेरी मौत। एक क्या बोला बे तू? मैं आता हूँ, जरूरी काम भी याद आ गया। एक वकील, अरे वकील। गोली, क्या हुआ हमारे बेटे को? गोली, तेज बुखार है। बुखार? मिथिलेश बेटा, ये सब कैसे हो गए? पता नहीं सरपंच जी, मैंने तो गोली के बारे में सुना तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ तो लाइन लगी हुई है। गोली। बहन जी, ये सब ठीक हो जाएंगे ना? सब कुछ अचानक हुआ है सरपंच जी। जो भी पेशेंट आ रहा है बहुत बुरी तरह खांस रहा है, तेज बुखार, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ बता रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सारी सिचुएशन मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी। बताइए हम क्या करें, बताइए कुछ कर सकते हैं क्या? सरपंच जी, अगर आप पीडीओ जी को कह के कुछ और डॉक्टर बुलवा पाए तो अच्छा होगा। मैं अभी फोन कर देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? क्या हुआ सरपंच जी? वो वीडियो साहिबा का नंबर ही नहीं लग रहा है। चलिए सरपंच जी, वीडियो साहिबा का घर ही चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा रहना जरूरी है। मैं मिथिलेश को साथ में लेके जाता हूँ, तुम यहाँ संभालो सर। ठीक। यहाँ चारों तरफ बनी और विक्रम भैया को पंचायत में घसीटने की पड़ी है। अरे भैया, तुम्हें बना है सरपंच, मुझे तो नहीं। मेरी बैंड बजाते हो। लेकिन वो रणवीर आ जाए, मैं यहाँ से निकल लूँ। अरे भैया बंद हो जा जल्दी से। आराम नरेश। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। कहीं नहीं, तो ये सूटकेस क्या बावड़ी में डालने जा रहा था? वो एक क्लाइंट का फोन आ गया था, उसी से मिलने जा रहा था, कल वापस आ जाऊंगा। राम नरेश, आदमी अपनी किस्मत और अपनी मौत दोनों से कहीं नहीं भाग सकता। और तेरे तो दोनों ही दरवाजे पर खड़ी हैं। तेरे गांव में मौत का तांडव शुरू हो चुका है वकील, और ये मौत तू लेकर आया है। वक्त का चक्कर, कल तक तू निशाना लगा रहा था, आज तू निशाना है। जहर भी तू लाया, अब दवा भी तू ही लाएगा। मिथिलेश। हाँ जी। हमें जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। देख, अगर वो वीडियो साहब अगर कहीं निकल गए ना, की बात भी करानी है एमएलए से। हाँ, और देख, हमारे जो वीडियो साहब की जितनी भी बातें हैं उनको हमें बतानी पड़ेगी, नहीं तो सबकी जान चली जाएगी। मतलब और देख,
आप क्या करें? फोन करता हूँ। क्या हुआ? नेटवर्क नहीं है। कहाँ चले गए होंगे? लगता गाड़ी आ गई। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई वीडियो साहिबा। गांव में पता नहीं कहां से महामारी फैल गई। और हाँ, मुझे पता चला, इसीलिए मैं वापस लौट आई। एएनएम बहन जी बोल रही है कि शहर से डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये तो वैसे अचानक। हेलो। हाँ, ओमवीर बोल रहा हूँ। नमस्कार नेताजी। नेताजी का फोन है। अरे भाई, ये कहाँ हो रहा था? डीएम ऑफिस से फोन आया था। जी जी एमएलए साहब, गांव में अचानक ही महामारी फैल गई, पता नहीं कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया गांव में। और न्यूज़ साहिबा है, पता ही नहीं नदारद है। अरे मैं कब से उन्हें फोन मिला रहा हूँ, लगता ही नहीं कहाँ है वो। एमएलए साहब, वो तो हमारे साथ यही है। तो बात करवाइए ना। जी मैं कराता हूँ। जी एमएलए साहब, एमएलए साहब का फोन। यस सर। क्या है यार, इतनी बड़ी बात हो गई गांव में और आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं। सर एक्चुअली मैं वो। एक्चुअली क्या? और ठीक है, अब तक कब से आपका फोन मिला रहा हूँ। सर मैं वही बता रही हूँ, मैं डीएम साहब के ऑफिस जा ही रही थी, वहाँ नेटवर्क थोड़ा खराब था, इसीलिए शायद फोन नहीं लग रहा होगा। मुझे जैसे ही पता चला मैं वापस आ गई। जैसे ही मुझे खबर मिली वैसे ही वापस आ गई। यही प्रॉब्लम है, जरूरत के वक्त सारे सरकारी अफसर नदारद हो जाते हैं। अब आ गई है तो कुछ कीजिए, मुझे शाम तक इस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, समझ गई आप? जी सर। हाँ हमें तुरंत ही सब सेंटर चलना होगा। जी हाँ। दादी दादी, अरे ऐसी खबर लाया हूँ कि खुशी से नाचने लगेगी, अपने पोते का माथा चूम लेगी। समझ ले, बजरंग बली की कृपा हो गई। बोलती कुछ क्यों नहीं, तू हमेशा बोला करती थी ना कि मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, निखट्टू निकम्मा। अब नहीं कहेगी, पता है क्यों? दादी नौकरी मिल गई है मुझे कंप्यूटर बाबा की कृपा से। दादी जवाब क्यों नहीं देती? दादी लगता है दादी पूजा कर रही होगी। दादी 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 दादी, क्या हुआ दादी? दादी दादी आंख खोलो दादी दादी। दादी कुछ तो बोलो दादी दादी दादी, हाथ खोलो दादी, क्या हुआ दादी? दादी उठो ना दादी। हे बजरंग बली, क्या हो गया मेरी दादी के साथ? तू चिंता मत कर दादी, चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा दादी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा दादी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा दादी, कुछ नहीं होने दूंगा दादी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो अपना ये भाषण जाकर किसी और को दियो, और अब मेरी बात कान खोल कर सुन। कोई कहीं नहीं जाएगा, ना तू ना मैं। लेकिन बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम यहीं रहेंगे, बात खत्म। गोल चक्कर चक्कर चक्कर, अरे ये दफ्तर, अरे वो दफ्तर, ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर, अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू, अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना, जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट, मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह,
कैसे चक्कर, अब कैसी टेंशन, पासपोर्ट हो या हो पेंशन। अब जो भी हो काम कराना, NEGP से आसान बनाना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। लो, वीडियो साहिबा आ गई। वीडियो जी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया? आप हिम्मत रखिए। एनएम कहाँ है? आप इसका ध्यान रखिए, मैं अभी आ रही हूँ। आइए। दारा, दिलेश भैया। क्या हुआ? देखिए ना दादी, हो क्या हो गया दिलेश भैया? हिम्मत रखो, हिम्मत रखो दारा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब आज सुबह से ही शुरू हुआ है जी, और हर पेशेंट की एक ही जैसी प्रॉब्लम है, तेज बुखार, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीमारी है कौन सी। ऊपर से इतनी बड़ी महामारी से निपटने के लिए ज्यादा सुविधाएं भी तो नहीं है हमारे पास। आप ऐसा कीजिए, सबको CHC में शिफ्ट कीजिए। अपने सारे वॉलंटियर्स को बोलिए कि तैयारियां शुरू करें, जल्दी कीजिए, हरी अप। लेकिन वीडियो जी, इतने सारे लोगों को एक साथ CHC कैसे शिफ्ट करेंगे? एनएम बहन जी, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ। मेरे साथ गांव के लोग आए हैं, राधे, श्याम, अकबर, मुन्ना, वो सबके पास जीप और ट्रैक्टर है। मैं महेश्वर से कह करके उन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? गुड। मैं महेश्वर को बुला के लाता हूँ जी। जी सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अच्छा भला इस्तीफा देने वाला था वो सरपंच, लेकिन समझ में नहीं आ रहा एकदम से ये बीमारी कैसे फैल गई। विक्रम भैया, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई खतरनाक महामारी है। मेरी मानिए तो कसम, काले कोट के दोनों जितनी जल्दी हो सके निकल लेते हैं यहाँ से, कहीं हम भी इस बीमारी की चपेट में आ गए ना। तू वकील है, डॉक्टर नहीं, समझता सब कुछ हूँ। आपको यहाँ रहना है तो रहिए, मुझे नहीं करना अपनी मौत का इंतजार। ए वकील, दिमाग से काम ले, दिमाग से, यही मौका है उस सरपंच को लपेटने का। कमाल है, यहाँ जान को आफत है और आपको सरपंच की पड़ी है। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो अपना ये भाषण जाकर किसी और को दियो, और अब मेरी बात कान खोल कर सुन। कोई कहीं नहीं जाएगा, ना तू ना मैं। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम यहीं रहेंगे, बात खत्म। उस सरपंच के पूरे दिन शुरू हो गए हैं। पहले ये सीवेज घोटाले ने उसे फंसा दिया, और अब यह महामारी उसे ले डूबेगी। सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, हम सब हैं आपके साथ, प्रशासन भी, सब है, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, यस सर। हाउ इज द सिचुएशन साक्षी? नॉट गुड सर, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट सर। मैं अभी भी सब सेंटर में ही हूँ। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है साक्षी, MLA साहब 10 बार फोन कर चुके हैं। आई नो सर, उनका कॉल मुझे भी आया था, बट सर समझ नहीं आ रहा है कि लोग बीमार क्यों रहे हैं, सब कुछ इतना अचानक हो रहा है कि सर... मैंने हेल्थ ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई है, IDSP, मेरा मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस यूनिट से भी कॉन्टेक्ट किया है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। एंड हां, यू आल्सो कीप इन टच। यस सर। सर एक और रिक्वेस्ट थी। हां बोलो। सर मैं पेशेंट्स को तुरंत CHC शिफ्ट करना चाहती हूं। अगर आपके ऑफिस से कुछ हेल्प मिल पाए, कुछ कार्स, कुछ लोग। ऑफ कोर्स, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। साक्षी, मुझे पता है कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हम सब परेशानी में पड़ जाएंगे। सो कीप इन टच, ऑलराइट? जी सर, आई अंडरस्टैंड।
अभी तो ये एक शुरुआत है केडी, तुम देखना आगे आगे क्या होता है। अभी पहला दिन है ना, इसीलिए ज्यादा लोग बीमार हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में मैं ये बीमारी पूरे किशनगढ़ और उनके आसपास के गांव में फैला दूंगा। अच्छा सुनो, दवाइयों का स्टॉक आ गया है ना? गुड। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये आपने क्या कर दिया रणवीर जी? गांव में तो न जाने कितने लोग बीमार पड़ गए। जानता हूँ, अभी तो मेरी गेम स्टार्ट हुई है राम नरेश। गेम? हाँ, देखना कल तक किशनगढ़ वाले इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। कोई दवाई असर नहीं करेगी, लोग हॉस्पिटल वालों को गालियां देंगे, पत्थर मारेंगे, धरने धरेंगे, पर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये सब तुम क्यों कर रहे हो रणबीर? मैं? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो वकील साहब, याद नहीं बावड़ी में जहर किसने मिलाया था? याद नहीं है तो मोबाइल निकालो। रणबीर प्लीज, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे इस सब में मत फंसाओ। अरे नहीं, इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो तुझे बहुत बड़ा काम करना है। जब गांव में लोग मरने लगेंगे तब उनकी जान बचाने एक आदमी सामने आएगा, किशनगढ़ का सबसे ईमानदार और सच्चा आदमी, उनका अपना पंच राम नरेश। सर, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट यानी IDSP। सर, कंप्यूटर से एपिडेमिक ब्रेकआउट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है। सर, मान लीजिए अगर किसी सब सेंटर में एपिडेमिक प्रॉन डिजीज के केसेस सामने आते हैं तो ANM उस सबको काउंट करती है और एस फॉर्म में दर्ज करके PHC भेज देती है। सर, फिर PHC के मेडिकल ऑफिसर्स अपने डायग्नोसिस के बेसिस पे केसेस काउंट करके P फॉर्म में दर्ज करते हैं और कुछ पेशेंट से लिए गए सैंपल्स की लैब टेस्टिंग होती है और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें लैब में ही L फॉर्म में दर्ज किया जाता है। PHC ये सारा डेटा CHC भेजती है। सर, फिर CHC अपना डेटा और बाकी अन्य PHCs का डाटा क्लब करके IDSP की वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। सर, अब IDSP के डेटा मैनेजर और नेशनल सेंटर में बैठे एक्सपर्ट्स इस डेटा को एनालाइज करते हैं और सर एपिडेमिक का खतरा महसूस होते ही उस डिस्ट्रिक्ट की सर्विलेंस यूनिट को सूचित किया जाता है जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट कर देती है। तो किशनगढ़ के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, किशनगढ़ का डेटा मैंने चेक किया है, पिछले 2 हफ्ते से वहाँ ऐसे कोई भी केसेस सामने नहीं आए हैं जिनसे एपिडेमिक का इंडिकेशन मिलता हो। आपका मतलब ये सब अचानक हुआ? सर, पूरी बात तो कंप्लीट मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। वैसे मैंने रैपिड रिस्पॉन्स टीम को SOS भेज दिया है और सर मैं खुद भी अपनी मेडिकल टीम के साथ तुरंत किशनगढ़ जा रहा हूँ। ओके, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। ओके सर। क्योंकि जिस तेजी से यहाँ पर महामारी फैल रही है ना, उसे देखते हुए पता नहीं कितनी लाशों पर गला फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा तुम्हें। अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह सभी शहर चल दिए। हमें मुन्नी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सूरज भैया, और हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है। हमें तो बाबूजी के लिए रेल का टिकट कटवाना है सूरज भैया, मगर इन सभी चीजों के लिए शहर में जाने की क्या जरूरत है? मतलब
ये है हमारे गांव का सार्वजनिक सेवा केंद्र। अब आपके सारे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। ना शहरों के दरवाजे अब ना सड़के झिड़के हैं। आओ चले चौपाल तलक अब गांव गांव में खिड़की है। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। सार्वजनिक सेवा केंद्र, आप भी आएं और ढेरों सुविधाओं का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। क्या हुआ सरपंच जी? सिर्फ तीन ही गाड़ियों का इंतजाम हो पाया है बस। तीन? वो मैंने विक्रम को भी बोला था। क्या, लेकिन आपने उसे क्यों? लो विक्रम आ गया। आजा आजा विक्रम आजा। कहिए सरपंच जी, इस बार कौन सा घपला करने की तैयारी है? देख विक्रम, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। तुझे तो पता है ना, गांव में महामारी फैल चुकी तो सब सेंटर में सबका इलाज नहीं हो सकता, तो सबको CSC में ले जाना पड़ रहा है। वो सब छोड़िए, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? देख, तू अपनी जीप और गाड़ी कुछ देर के लिए दे देगा तो सबका भला हो जाएगा। क्या? सरपंच जी, जीप और कार मैंने अपनी मेहनत के पैसों से कमाई है, आपकी तरह घपला करके नहीं, समझे? देख विक्रम, जीप और कार दे दो। मैंने आपसे कहा था ना सरपंच जी, लेकिन आप सुनते कहां है मेरी? सरपंच जी, इंसान की खाल में सांप है, सांप जरूर है, सांप। चिल्लाओ मत चाचा। वरना गला बैठ जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से यहां पर महामारी फैल रही है ना, उसे देखते हुए पता नहीं कितनी लाशों पर गला फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा तुम्हें। अंदर लोगों की तबीयत इतनी खराब है और तुम लोग यहाँ ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सही कह रही हैं आप, शर्म आनी चाहिए इन सबको। पीडीओ साहिब, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि आकर ये कह सकूं कि अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरे आते ही ये पहलवान चाचा ने अपने इस गुंडे को मेरे ऊपर छोड़ दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो विक्रम? अपने सर की कसम खाकर कह रहा हूँ वीडियो साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया था लेकिन उन्होंने Stop it! Please stop it! अगर आप पंचों की आपस में लड़ाई खत्म होगी तो प्लीज प्लीज मेरी मदद करेंगे? मैं तो यहाँ मदद करने ही आया था वीडियो साहिबा, लेकिन अब ये गाँव के ठेकेदार ही आपकी मदद करेंगे। सरपंच जी, हमें पंचायत घर में जल्द से जल्द इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनवाना होगा। जो पेशेंट सीरियस है उन्हें सब सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लेके जाना होगा, और इसके लिए मुझे गाड़ी की जरूरत है। जी मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मैं सर, चल मेरे साथ। ठीक है सरपंच जी। उस तारा ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला है, विक्रमजीत सिंह के, और अपना तो सीधा साधा न्याय है वकील, हाथ के बदले हाथ। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ
साथ पकड़ना साथ चले। देरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे। पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले हाथ पकड़ लो